हेलो क्लास 8, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम अक्टूबर मंथ का चैप्टर नंबर 11 साइंस का रीड करेंगे, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स का मतलब ताकत, बल, और प्रेशर का मतलब किसी चीज़ पर दबाव डालना। क्लियर? इसी चैप्टर में हम इन दोनों को इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। ठीक, इंट्रोडक्शन की बात करें। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच थिंग्स मूव। पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि किस तरह से चीज़ें मूव करती हैं, जैसे पेंडुलम जो है पीरियोडिक मोशन करता है। ठीक, टेनिस बॉल शो करती है कर्वी लीनियर मोशन। फिर एक फैन जो है, पंखा जो है, किस तरह से सर्कुल मोशन करता है। वट मेक्स ऑल दीज सब्जेक्ट मूव, ऐसी क्या चीज़ है कि ये सब चीज़ें मूव करती हैं। मोशन का मतलब मूव, मूवमेंट। क्या एक घड़ी का जो पेंडुलम है वो अपने आप मूव कर सकता है? टू मेक थिंग्स मूव और स्टॉप मूविंग थिंग्स वी हैव टू अप्लाई फोर्स। किसी चीज़ को मूव करवाना या किसी चलती हुई चीज़ को रोकना, उस सब चीज़ों के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स। ठीक है, ताकत, बल। वी अप्लाई फोर्सेस इन डिफरेंट वेज इन ऑल द टाइम। हर समय हम कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस फोर्स फोर्स ऑल द टाइम। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड प्रेशर। इन सब के बारे में हम रीड करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। फोर्स, फोर्स क्या है? अ फोर्स इज जनरेटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट पुश और पुल। पुश का मतलब धक्का मारना, पुल का मतलब खींचना। ठीक है, ये पुश और पुल का मतलब फोर्स होता है। किसी भी फोर्स पर जब हम धक्का मारते हैं या उसको खींचते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब धक्का मारते हैं या खींचते हैं, तो वो फोर्स जनरेट करता है। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोलें, किसी चीज़ को धक्का मारना और खींचना इज कॉल्ड फोर्स। यू मूव योर बॉडी ऑल द टाइम। आप अपनी बॉडी को मूव करते हो, काम करते हो, तो आप एग्जर्ट कर रहे हो, मतलब उस पर, अपनी बॉडी पर कोई ना कोई फोर्स डालते हो, तभी आप कोई ना कोई काम कर पाते हो। बैठे बैठे तो नहीं कर पाओगे ना कोई काम। यू एग्जर्ट फोर्स, आप कोई ना कोई फोर्स डालते हो। जब आप झुकते हो, बेंड का मतलब झुकना, ट्विस्ट का मतलब मोड़ना, पुश का मतलब धक्का मारना, पुल का मतलब खींचना, टियर का मतलब किसी चीज़ को फाड़ना, और प्रेस का मतलब किसी चीज़ को दबाना। किसी भी चीज़ को जब आप इन सब चीज़ों को अप्लाई करते हो, तो दैट मीन्स आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक, एक्टिविटी 11.1 आपका होमवर्क है, इसी एक्टिविटीज़ के ऊपर। डू द फॉलोइंग एक्शंस, इन सब एक्शंस को फॉलो करो। आप कौन सी एक्टिविटी कर सकते हो? देखो, जैसे उन्होंने लिखा है, लिफ्ट अ प्लेट ऑफ फूड इन योर हैंड, अपने हाथ से प्लेट को उठाना, तो आपने वो पुल किया, मतलब खींचा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, पुल किया। अब किक अ फुटबॉल, किसी चीज़ को आप धक्का मार रहे हो। ठीक है, तो इसमें से कौन सी अप्लाई होगी फोर्स, वो आपको लिखनी है। लिफ्ट वेट, आप वेट उठा रहे हो। टग अ वॉर का मतलब रस्सी खींचना, गेम होती है ना, दोनों साइड से रस्सी, ये रही टग अ वॉर, ये रहा टग अ वॉर। डी पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये डी पार्ट है। प्लेइंग विद प्लास्टाइन और डव, प्लास्टाइन यहाँ पर क्ले है। ओपनिंग अ डोर, क्लोज अ ड्रॉअर, और कैचिंग अ बॉल, इन सब पे आप कौन सी फोर्स अप्लाई करोगे वो आपको लिखना है। खींचना है, धक्का मारना है, ट्विस्ट करना है, बेंड करना है। ठीक है, वो सब आप यहाँ पर लिखोगे। होमवर्क में है ये आपका टेबल। इसके बाद इन अबव ऑल द एक्टिविटीज़, आपने कहीं पुश किया, पुल किया, या प्रेस किया ऑन ऑब्जेक्ट, हैंस अप्लाई हो गया फोर्स। इन सारी एक्टिविटीज़ में इंट्रैक्शन था बिटवीन योर हैंड्स एंड द ऑब्जेक्ट। किसी न किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने अपने हाथों से
काम किया है। तो ये इंट्रैक्शन है बिटवीन योर हैंड्स एंड ऑब्जेक्ट। टू पुश और पुल यू नीड टू टच एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को धक्का मारना या किसी चीज़ को खींचना, आपको उसको टच करना पड़ेगा। ठीक, हैंस वी कैन से दैट फोर्स इज एग्जर्टेड, इसलिए हम बोल सकते हैं कि फोर्स तब होता है जब वहाँ पर इंट्रैक्शन हो किसी दो ऑब्जेक्ट्स का, किसी दो चीज़ों के बीच का तालमेल होगा तभी फोर्स अप्लाई होगा। व्हाट डज फोर्स डू, अब फोर्स करता क्या है, एक्टिविटी 11.2, और ये भी आपका होमवर्क रहेगा। अब आप इन ऑब्जेक्ट्स को लीजिए, पुश और पुल, वही सेम, व्हाट हैपन्स टू देम, अब उसका रिजल्ट भी लिखना है। ठीक है, जैसे एक स्टेशनरी, यहाँ पर जो फिजिक्स का चैप्टर है आपका ये फोर्स एंड प्रेशर, ये जो चैप्टर है आपका इस साइंस के अंदर, जहाँ भी स्टेशनरी की बात होगी ना, वो आपकी पेंसिल इरेजर शॉर्पनर वाली स्टेशनरी नहीं, उसका मतलब होता है रुका हुआ है, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, ठीक, कांस्टेंट। तो एक रुकी हुई फुटबॉल को जब आप पुश करोगे, पुश का मतलब धक्का मारोगे, जब आप पुश करोगे, व्हाट हैपन व्हेन यू पुश, जब एक रुकी हुई फुटबॉल को आप धक्का मारोगे तो क्या होगा, वो लिखना है। जब आप रुकी हुई फुटबॉल को अपनी तरफ खींचोगे तो क्या होगा, वो लिखना है। ये आप कंप्लीट करके रखिएगा, क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से प्लास्टाइन को, क्ले को, जब आप उस क्ले को पुश करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब उसको खींचोगे तो क्या होगा। स्प्रिंग, रबर बैंड, मूविंग क्रिकेट बॉल, इन सब चीज़ों में दोनों अप्लाइड फोर्स और उसका रिजल्ट दोनों लिखना है। ठीक, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नाउ यू कैन कंक्लूड दैट फोर्स कैन डू टू डू ऑब्जेक्ट्स। अब फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, वो कंक्लूजन है ये हमारा। फोर्स में चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है किसी भी किस ताकत लगाकर, बल लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मेक एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मूव बाई प्लेइंग फोर्स, अप्लाइंग फोर्स। सिमिलरली यू कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाई अप्लाइंग फोर्स, फॉर एग्जाम्पल किकिंग अ फुटबॉल एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब रुकी हुई, एक फुटबॉल है वो रुकी हुई है, अब उस पर आप फोर्स लगाओगे तो वो, जब किक मारोगे फोर्स लगाओगे तो वो फुटबॉल आगे तक चली जाएगी। अब उसी फुटबॉल को अगर आप रोकने की कोशिश करोगे तब भी आप फोर्स लगाओगे तो उसको रोक लोगे। तो फोर्स चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फोर्स जो है स्पीड भी चेंज कर सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कैसे, अगर आप पुश अ मूविंग फुटबॉल इट स्टार्ट मूविंग फास्टर, अगर आप चलती हुई फुटबॉल को, जैसे फुटबॉल किसी ने किक मारी फुटबॉल को और उसको आपने दोबारा किक मार दी तो वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी ना। फोर्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसी डायरेक्शन में अगर हम और ज़ोर से फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक, जिस तरह से ये प्लेइंग क्रिकेट में आप देखो, बॉल किस साइड से कोई फेंकता है और जब वो उसको बैट से हिट करता है, फोर्स लगाता है, तो वो दूसरी साइड डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। व्हेन अ क्रिकेट बैटमैन हिट्स द बॉल कमिंग टुवर्ड्स हिम, जब उसकी तरफ बॉल फेंकते हैं बॉलर, तो वो बॉल को अपने बैट से हिट करके दूसरी डायरेक्शन में कर देता है। तो दैट मींस फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब फोर्स लगाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी नहीं जिसकी भी होती होगी, चेंज कर सकते हैं। जैसे स्पॉन्ज ले लो, स्पॉन्ज उसको प्रेस करते हो तो वो छोटा हो जाता है। ठीक, सिमिलरली व्हेन यू प्रेस ऑन वेट सैंड, जब आप गीली मिट्टी को प्रेस करते हो तो उसके ऊपर आपके उंगलियों के निशान आ जाते हैं। जब आप चपाती को
प्रेस करते हो, मतलब आटे की बॉल को जब आप रोटी बनाते हो तो उसको अलग अलग तरह से आप बना सकते हो, या आप क्ले से किसी भी शेप में उसको डाल सकते हो। ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रीड करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है इफेक्ट करता है डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स पे। पहला, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स आपने अप्लाई किया, और द डायरेक्शन इन विच, किस डायरेक्शन में आपने उस फोर्स को अप्लाई करा, मतलब कितना ताकत लगाया आपने और किस डायरेक्शन में आपने उस ताकत को लगाया। ये दो फोर्स फैक्टर्स जो हैं डिपेंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल पुशिंग अ बस टू स्टार्ट इट। ठीक है, लोग बस को धक्का मारते हैं, दे ऑल पुश इट फ्रॉम वन साइड, द बस मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ पुश। अब जिस डायरेक्शन में बस को या गाड़ी को धक्का मारना होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बस चलती है। बस है यहाँ पर, यहाँ से लोगों ने फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया तो बस आगे की तरफ चलेगी। ठीक, नाउ इमेजिन इफ हाफ पीपल, अगर आधे लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं और आधे लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं, दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, विल द बस मूव, क्या बस मूव कर पाएगी, इट विल नॉट मूव। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो है, जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो दोनों डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है, इधर वाले लोग इधर से, इधर वाले लोग इधर से, तो कैसे वो बस हिल पाएगी। ठीक है, तो वेन एवर अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी, जब भी किसी बॉडी पर फोर्स को अप्लाई किया जाता है वो उसकी पोजिशन चेंज कर देती है, स्पीड चेंज कर देती है, डायरेक्शन चेंज कर देती है। द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वेन मल्टीपल फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू वर्ड्स द सेम साइड दे एड अप। वाइल अ पुशिंग बस फोर्स अप्लाइड बाई ऑल द पीपल एड अप, हाउएवर वेन टू फोर्सेज आर अप्लाइड ऑपोजिट डायरेक्शन साइड्स दे सब्ट्रैक्ट द फोर्स एंड द नेट फोर्स एट द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। इफ टू फोर्सेज आर अप्लाइड ऑपोजिट आर इक्वल, द नेट फोर्स विल बी जीरो। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक, अब यहाँ पर ये चीज़ देखो, एक जब हमने दो जब एक साइड से बस को फोर्स लगाया तो वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, जब हमने दोनों साइड से बस को फोर्स लगाया, अब यहां पर ये बात है, वाइल व्हेन मल्टीपल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी टुवर्ड्स द सेम साइड दे एड अप। यहां से फोर्स लगाया तो इन सब की फोर्स जो हो गई एड हो गई और वो बस चल पड़ी। जब बस को दोनों साइड से, व्हेन टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द ऑपोजिट साइड्स, जब दोनों साइड से फोर्स लगाया, इनका फोर्स माइनस हो गया, ठीक है, इनका फोर्स माइनस हो गया, द नेट फोर्सेस एक्ट, और इनका फोर्स इकट्ठा होकर एक ही जगह पर जमा हो गया, बस इधर से भी धक्का लगा रहे हो, इधर से भी धक्का लगा रहे हो, जमा होकर एक ही जगह हो गया। ठीक है, तो अगर फोर्स अप्लाई करें ऑपोजिट डायरेक्शन से तो वो इक्वल होता है, उसका फोर्स ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि चीज़ चल पड़ेगी तो फोर्स ज़ीरो हो गया। इसलिए फोर्स जब काम करता है तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर काम करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर काम करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या शेप है, ठीक है, क्या रिजल्ट है, क्या क्वांटिटी है, क्या साइज है उसका, शेप साइज फिगर, ठीक है, जो भी आप मैग्नीट्यूड लगा सकते हो, शेप साइज फिगर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, और एज वेल एज उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है फोर्स। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और इसको फेमस फिजिक्स के नाम पर दिया गया है, सर इसाक न्यूटन के नाम पर इसको न्यूटन की फोर्स एसआई यूनिट दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ बात करते हैं, एक्टिविटी 11.3 है। इन द फॉलोइंग सिचुएशंस देयर आर टू ऑपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, व्हेन द फोर्स इज मेंशनड आइडेंटिफाई द ऑपोजिट फोर्स।
ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है ऑपोजिट फोर्स को. सिचुएशन है फोर्स वन और फोर्स टू. फोर्स टू ऑपोजिट फोर्स है. एक अ मैन हैंगिंग फ्रॉम अ रोप, एक इंसान जो है रस्सी से लटक रहा है. तो रोप, वो जो रस्सी है वो पुल, उसने खींचा हुआ है मैन को ऊपर की तरफ. ठीक है, अब ग्रेविटी क्या करेगी, नीचे की तरफ खींचेगी, क्योंकि इंसान तो लटक रहा है ना, ये रस्सी है, ये इंसान है. ठीक है, अब इस रस्सी ने इस इंसान को पुल किया है, खींचा है, पुल किया है रोप ने पुल किया है. लेकिन जो ग्रेविटी है वो भी तो नीचे की तरफ खींचेगी ना इंसान को, तो ये ऑपोजिट हो गया फोर्स. अ वुमेन लिफ्टिंग अ वेट, अब एक वुमेन जो है उसने वेट को उठाया है. ठीक है, कोई भी वेट उठाया है. अब वुमेन ने वेट को उठाया है, चलो वुमेन ने वेट को उठाया है. अब इस वुमेन ने जब वेट को उठाया तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगी, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, ये ग्रेविटी है. तो वुमेन भी तो उसको ऊपर की तरफ खींच रही है ना वुमेन, तो यहां पर ऑपोजिट फोर्स क्या होगी, जमीन ने नीचे की तरफ खींचा तो वुमेन ने ऊपर की तरफ खींचा, तो हम क्या लिखेंगे, वुमेन लिफ्ट द वेट. ठीक है, यहां पर वुमेन ने वेट को ऊपर की तरफ खींचा हुआ है, यहां पर पुल हुआ. लिफ्ट द वेट, ऊपर की तरफ खींच रही है, वेट अपवर्ड्स ऊपर की तरफ खींचा है. अ मैन ऑन स्लेज, स्लेज पता है आपको, एक मैन स्लेज पर है. ठीक है, स्लेज वो होता है जिससे, मैं अभी आपको फोटो दिखा देती हूँ स्लेज की. एक इंसान अगर स्लेज पर है, द मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स पुलिंग स्लेज, वो एनिमल्स से जो खींचते हैं, बर्फ पे चलने वाली होती है ये गाड़ी स्लेज, एनिमल्स उसको खींचते हैं, तो जो मसल्स की फोर्स लगा रहे हैं एनिमल्स उसको खींचने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर ऑपोजिट फोर्स आप सोच कर बताओ क्या होगा. अ पर्सन कमिंग डाउन विद अ पैराशूट, अब ऊपर से एक इंसान पैराशूट से नीचे की तरफ आ रहा है, इसका फोर्स वन हो गया अपवर्ड फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ऊपर की तरफ तो हवा ने उसको लिया हुआ है. दूसरा क्या होगा, ये तो बहुत ईजी है. दूसरा यहाँ पर लिखोगे आप ऑपोजिट फोर्स की बात करनी है यहाँ पर. ठीक है, तो ये आपके दो होमवर्क में है, एक मैंने आपको बता दिया और स्लेज की फ़ोटो मैं आपकी आपको दिखा देती. फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस. As said above, force is generated between two objects when they interact. ये पहले बता चुके हैं कि फोर्स तब जनरेट होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और इस इंटरैक्शन को हम अलग अलग तरीकों से करते हैं. सम इंटरैक्शन, कहीं पर हम जो है बिटवीन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और कहीं पर ऑब्जेक्ट्स नहीं होते. बेस्ड ऑन दिस फोर्सेज, अ फोर्स जो है दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्स होता है जहाँ पर दो सरफेसेस आर कॉन्टैक्ट इन विद ईच अदर, देयर आर टू कॉन्टैक्ट फोर्सेस. दोनों तरफ से जब कॉन्टैक्ट होगा सरफेस पे, ठीक है, अब दोनों तरफ से कैसे कॉन्टैक्ट होगा, देखो इसका कॉन्टैक्ट फोर्स का एक मस्कुलर फोर्स है, टू कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, एक तो मस्कुलर फोर्सेस और दूसरा नेक्स्ट पेज पर आपका जो है फ्रिक्शन, ये दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं. अब मस्कुलर फोर्स में ये आपका एग्जांपल देख सकते हो, और ये सेम चीज़ हमने बस पर अप्लाई करा था पीछे एग्जांपल में, कि बस बीच में है, इधर से भी धक्का लगा रहे हैं, इधर से भी धक्का लगा रहे हैं, वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा था. इट इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स टू डू वर्क, मसल्स का काम, हाथों का काम, मसल्स का काम करते हैं. लिफ्ट अ सूटकेस उठाना, पानी को खींचना कुएं में से, भार को उठाना, भागना, पुलिंग और कार्ट बाय हॉर्स और एन ऑक्स आर एग्जांपल ऑफ द एक्शंस डन विद द हेल्प ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाय द मसल्स. तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हो, ये सारे एग्जांपल्स हैं.
ठीक, ये मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल हैं जहाँ पर मसल्स का काम होगा। और दूसरा कांटेक्ट फोर्स है, ये दूसरा कांटेक्ट फोर्स है, सेकेंड टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन। व्हेन यू किक अ बॉल ऑन ग्राउंड, जब आप किसी भी बॉल को ग्राउंड पर किक करते हो, वो थोड़े टाइम बाद रुक जाती है, चलते चलते रुक जाती है। ये क्यों रुक जाती है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुक जाती है। फ्रिक्शनल फोर्स तब जनरेट होता है जब दोनों सरफेसेस आपस में रब होते हैं, ठीक है। रोड है, रोड पर ये बॉल चलते 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 रुक गई, तो बॉल का सरफेस और रोड का सरफेस आपस में जब कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो फ्रिक्शन बन जाएगा। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज मोशन, वो हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है। वी विल लर्न मोर अबाउट फ्रिक्शन इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर पूरा फ्रिक्शन का है उसमें करेंगे, अभी सिर्फ फ्रिक्शन की डिफाइन है, ठीक। इसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कौन से होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज वो होते हैं जो जनरेट करते हैं दो सरफेसेज में, बट वो कॉन्टैक्ट में नहीं होते, ठीक है। थ्री मेन नॉन कॉन्टैक्टेड फोर्सेज हैं। तो तीन मेन कौन से हैं? पहले तो ग्रेविटेशन फोर्स, ये आपस में कांटेक्ट में नहीं रहते, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड पेज पे आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा क्या था? मैग्नेटिक फोर्स। ये तीन फोर्स हैं नॉन कॉन्टैक्ट के। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको अच्छी तरह पता है, सब चीज़ों में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट एग्जर्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स पे एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाउएवर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द, अच्छा मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने आपको शेप साइज बताया था, तो जो भी शेप और साइज है वो उसके किस पे? भार पे, उसके मास पर, उसके वेट पर डिपेंड करता है, और वो कितनी दूरी पर है उस पर डिपेंड करता है। एक हैवियर ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा ग्रेविटी लगेगी, जल्दी नीचे आएगा, है ना, ऊपर से भारी सा पत्थर फेंको नीचे तो वो जल्दी गिर जाएगा, और हल्की चीज़ पर ग्रेविटी का फोर्स कम होता है। फॉर अस द ओनली इम्पॉर्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे लिए एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से, जिसकी अर्थ का जो इतना ज़्यादा मास है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा, और इसलिए वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड इन, द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल ऑफ अर्थ इज मेजर्ड इन, अब इसको किस में मेजर किया जाता है? वेट के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है। वेट को किस तरह से डिफाइन करा गया है फोर्स के अंदर? विच अ बॉडी इज पुल टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जितना जो वेट आप ऊपर से नीचे की तरफ गिराओगे वो अर्थ पे नीचे आके गिरेगा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट, और हर ऑब्जेक्ट का वेट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग प्लेसेस हो सकते हैं अर्थ के, वो डिपेंड करता है अर्थ डिस्टेंस और अर्थ के सेंटर पर। द ग्रेविटी ऑफ मून, अब मून की जो ग्रेविटी है वो 1/6 ऑफ द अर्थ है। दिस इज बिकॉज मून इज 6 times लाइटर, इसलिए मून जो है हल्का है वो 6 गुना 6 times लाइटर है अर्थ से। सो अगर एक ऑब्जेक्ट मून पर 60 newton का वेट रखता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट 60 newton ऑन अर्थ, अगर अर्थ पर उसका वेट 60 newtons है, तो अर्थ 6 गुना है ना, तो जब मून पर जाएगा तो वो 10 रह जाएगा, 6 गुना 6 से डिवाइड कर दोगे तो 60/6 करोगे तो वो इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, 6 गुना है, ठीक है, मून पर इतना हल्का हो जाएगा। इफ़ द सेम ऑब्जेक्ट, अगर सेम ऑब्जेक्ट वो स्पेस पर जाता है वेयर देयर इज़ नो ग्रेविटी, जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, एक्टिंग ऑन इट इट विल बी वेटलेस, अगर ये 10 किलो का, न्यूटन का मतलब वेट, तो 10 किलो का अगर कोई चीज़ ऊपर जाता है तो उसकी तो वेटलेस हो जाएगा ना वो, क्योंकि 6 times तो है ही नहीं उसका, ठीक। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज द ग्रेविटी दैट हेल्प्स यू टू मूव ऑन द अर्थ सरफेस, आपको
ये जानना चाहिए कि जिस ग्रेविटी की ही वजह से आप अर्थ के ऊपर चल फिर सकते हो, आप रह सकते हो, इट इज़ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी ही है सन की, जो सारे प्लैनेट्स को ऊपर आसमान में टिकाए हुए हैं, हवा के अंदर टिकाए हुए हैं, ये सन की ग्रेविटी की वजह से। एंड द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, वो ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है जिसने मून को उसके ऑर्बिट पर रखा हुआ है, मून को उसकी जगह पर रखा हुआ है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन, क्या आप सोच सकते हो अगर जब ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर किया जाए स्प्रिंग बैलेंस से, इट हैज़ अ स्प्रिंग अटैच टू अ स्केल एंड इट इज शोन इन द पिक्चर। ये रहा स्प्रिंग बैलेंस, ये यहाँ, ठीक। और ग्रेटर द फोर्स, जितना ग्रेटर फोर्स होगा, जितनी भारी चीज़ होगी, मोर द स्प्रिंग स्ट्रेस्ड, उतनी ही स्ट्रेस्ड हो जाएगा ये स्प्रिंग। और यूज़ स्प्रिंग बैलेंस टू वेट सम ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट्स, अब इस स्प्रिंग बैलेंस को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो वेट मेजर करने के लिए, वो नेम करना है। फाइन, इलेक्ट्रोस्टेटिक, ये सेकेंड फोर्स ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, सेकेंड है ये, और ये थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स क्या है, ये आपने एक्सपेरिमेंट कई बार किया होगा, कॉम से नहीं तो स्केल से किया होगा, है ना, कुछ टुकड़ों को आपने रखा और अपने सिर से स्केल को रब किया, और ये एक्टिविटी, व्हेन यू रब अ कॉम्ब और स्केल इन योर हेयर देन इट ब्रिंग नियरर टू द पीसेस ऑफ पेपर, इट गेट अट्रैक्टेड टू द स्केल और कॉम्ब, दिस हैपन टू द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। चलो ये एक्टिविटी करते हैं, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टेटिक एक्टिविटी। पेपर और स्केल के साथ सेलोफिन शीट भी है मेरे पास, और एक मैं लूंगी टॉवल, और उस टॉवल से उस स्केल को रब करके मैं इसको चार्ज करूंगी, ठीक है। अगर आप टॉवल से रब नहीं करना चाहते तो अपने ड्राई हेयर से आप रब कर सकते हो, सिर से आप रब कर सकते हो स्केल को। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग इसको पहले कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस के अंदर, ठीक है। सीजर से कट करो या हाथों से कट कर लो, इट्स अप टू यू। आप इसको कट करो, कट करने के बाद अब आप स्केल को इसके ऊपर रख कर देखो, वो उससे अट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि दोनों चीज़ें चार्ज नहीं हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टेटिक एक्टिविटी के लिए एक चीज़ पॉजिटिव चार्ज होती है और एक नेगेटिव चार्ज होती है। अब हम टॉवल से इसको रब करेंगे, जब हम टॉवल से इसको अच्छी तरह से रब करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा, क्लियर, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास जाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे, अब आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से आप ये एक्टिविटी कॉम्ब के साथ भी कर सकते हो, क्लियर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्टिविटी कंप्लीट होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपेरिमेंट देख लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज, दोनों ऑपोजिट चार्ज होते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, और वन ऑफ विच एक पॉजिटिवली चार्ज होता है उसके अंदर, दूसरा नेगेटिवली चार्ज होता है। इस चैप्टर, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 15 में। मैग्नेटिक फोर्स मीन्स मैग्नेट से रिलेटेड होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स, जब आप आयरन पिंस को, लोहे की चीज़ों को आप मैग्नेट के पास लेके जाते हो तो मैग्नेट के साथ वो चिपक जाती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये मैग्नेट का फोर्स होता है। मैग्नेट एग्जर्ट इट्स फोर्स ऑन सम सब्सटेंसेस, मैग्नेट जो अपना फोर्स कुछ चीज़ों पे लगाता है, जैसे आयरन पे, लोहे पे, निकल पे और कोबाल्ट पे। यू ऑलरेडी नो दैट द मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, आपको पहले पता है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब टू मैग्नेट्स को हम एक दूसरे के पास लेकर जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से भागते हैं, लाइक पोल्स, मतलब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, लाइक पोल्स मीन्स नॉर्थ और नॉर्थ पोल अगर होगा मैग्नेट का तो वो दूर भागेगा। रिपेल का मतलब दूर भागना, और अनलाइक पोल, नॉर्थ और साउथ होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्थ और साउथ होगा तो वो रिपेल करेगा, दूर भागेगा एक दूसरे से, क्लियर इतना।
इसके बाद है प्रेशर। फोर्स हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम प्रेशर की बारे में बात करेंगे। ट्राई टू कट एन एप्पल विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, विच साइड ऑफ द नाइफ डू यू यूज़, आप कौन सी साइड जो है आप यूज़ करोगे एप्पल को कट करने के लिए। आप ट्राई करो जिस साइड, दूसरी साइड मतलब एक साइड धार होती है और एक साइड बिना धार के चक्कू होता है, धार वाली साइड से कट करोगे, ये तो सबको पता है, बिना धार वाली साइड से कट करके देखो तो उससे नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें पुश बॉड पिन क्यों, तो आंसर निकालना है। हाउ विल यू एबल टू पुश अ बोर्ड पिन इन टू द बोर्ड, बोर्ड्स पे हम पिन लगाते हैं ना, बोर्ड पिन पे, नोटिस बोर्ड पे जब हम पिन लगाते हैं उसको प्रेशर से हम लगाते हैं, इट विद द सेंटर ऑफ योर पाम और यू आर प्रेसिंग योर थम, हम थम से ऐसे ज़ोर से पिन को प्रेस करते हैं तो वो पिन जो है नोटिस बोर्ड में लग जाती है। नेक्स्ट पेज पे यू कैन कट एन एप्पल, अब यहाँ पर एक आंसर है, यू कैन कट एन एप्पल, हम तेज़ धार वाली साइड से हम एप्पल को कट कर पाते हैं और हम बोर्ड पिन को अपनी हथेली से नहीं प्रेस करके लगा सकते। दिस इज़ बिकॉज शार्प एज ऑफ नाइफ एग्जर्ट मोर प्रेशर, जहाँ पर तेज़ धार होगी चक्कू की वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा एप्पल के ऊपर और थंब पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा बोर्ड पिन के ऊपर। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया जाता है। सपोज करो ये पिन है, इस पिन के ऊपर कितना फोर्स को अप्लाई करूँगी मैं वो प्रेशर कहलाएगा। ठीक, प्रेशर डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द एरिया। प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? शेप साइज के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब बार बार मैं बता रही हूँ उसका, शेप और साइज, शेप शेप या साइज, ठीक है, शेप साइज मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब कितना फोर्स लगेगा उस शेप के ऊपर और कितना एरिया है उसके ऊपर लगाने के लिए फोर्स को। इन द अबव एग्जाम्पल फोर्स अप्लाइड ऑन द आइदर साइड ऑफ द नाइफ इज सेम बट द एरिया इज लेसर ऑन द शार्प एज देन द ब्लंट एज। ब्लंट एज का मतलब जहाँ पर धार नहीं थी, तेज धार नहीं थी। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि द नाइफ इज सेम बट द एरिया इज लेसर ऑन द शार्प एज, जिस जहाँ पर धार लगी है ना वो एरिया शार्प है, तेज है, तीखा है, वहाँ पर एरिया कम है और ब्लंट एज पर एरिया ज़्यादा है, सो द प्रेशर इज मोर। सिमिलरली फोर्स अप्लाइड ऑन द बोर्ड पिन, बोर्ड पिन के ऊपर जब फोर्स को अप्लाई करा थंब से, ठीक है, ओवर अ लेस एरिया, अब बोर्ड पिन का एरिया कम था और थंब का एरिया ज़्यादा है, थंब का एरिया ज़्यादा है, जब इससे करूँगी तो वहाँ पर प्रेशर कम ज़्यादा लगेगा। एंड विद द पाम, पाम से करने पर, इस हथेली से करने पर पिन को तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और थंब से करने पर पिन को प्रेशर कम लगेगा। प्रेशर को कैलकुलेट किया जा सकता है उसके फॉर्मूले से, प्रेशर पी, फोर्स एफ और एरिया ए, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर? यूनिट ऑफ प्रेशर जो है उसका यहाँ से निकलेगा पी प्रेशर, जो न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर है, और न्यूटन पास्कल, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पी ए पास्कल, पी ए पास्कल, ठीक है, वन पास्कल, पास्कल जो है प्रेशर की ऐसा यूनिट है। सी जी एस यूनिट ऑफ प्रेशर इज डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी जी एस का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, CGS, ठीक है, CGS यूनिट ऑफ प्रेशर इज डाइन या सेंटीमीटर स्क्वायर। द बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की अगर पास्कल सबसे छोटी यूनिट है और उससे बड़ी यूनिट क्या होगी, किलो पास्कल, वन किलो पास्कल, पी ए पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। क्लियर? इसके बाद आता है प्रॉब्लम, एक न्यूमेरिकल है, एक फोर्स है 1000 न्यूटन अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 5 मीटर स्क्वायर। अब 5 मीटर स्क्वायर का एरिया है, उसके ऊपर इतनी फोर्स अप्लाई कर दी, उसका प्रेशर निकालो, तो फोर्स अप्लाई 1000 न्यूटन, सरफेस एरिया
कितने पे अप्लाई करा, 5 m² पर, और प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया था प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो भी आंसर आएगा वो, मतलब यहाँ पर हो गया फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू 1000 न्यूटन अपॉन 5 m². अब ये 1000 को इससे कट करोगे तो 200 आ गया, 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब ये एन और एम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो है ये मिलकर क्या बन जाएगा, पास्कल, जो कि है प्रेशर। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। प्रेशर इन योर लाइफ, अब आप अपनी लाइफ में किस तरह से प्रेशर को अप्लाई करते हो या किस तरह से हैंडल करते हो। लाइक द एग्जाम्पल्स मैंशनड अबव, मैनी देयर आर मैनी एप्लीकेशंस प्रेशर इन आवर लाइफ। वॉकिंग विद फ्लैट हील शूज इज लेस पेनफुल, अब फ्लैट जूतों के साथ अगर आप चलते हो तो वो लेस पेनफुल होता है, अगर आप हाई हील्स के साथ चलोगे तो वो वहाँ पर आपको पेन ज़्यादा होगा। आप यू कैन नॉट वॉक विद पेंसिल हील शूज, आप पेंसिल हील शूज के साथ वॉक नहीं कर सकते, कहाँ पर, वैसे तो आप चल सकते हो प्लेन लैंड पर, लेकिन आप सैंड पर और सॉफ्ट ग्राउंड पर नहीं चल सकते। अ नेल विद अ पॉइंटेड एंड इज हैमर्ड इनटू द वॉल, एक कील है जिसका पॉइंटेड एंड है, ठीक है, एक कील, उसको हथौड़ी से मारोगे दीवार पर ठुक जाएगा, लेकिन अगर उस कील का जो पॉइंट है, मतलब ये होती है कील, है ना, ये पॉइंटेड है, इसको आप दीवार पर हथौड़े से लगा सकते हो, लेकिन अगर ये इसकी ये टूट जाएगी तो इसको आप नहीं लगा पाओगे या मुश्किल से लगा पाओगे। अ हैवी बैग विद नैरो स्ट्रैप, अगर आपका स्कूल बैग हैवी है और उसके स्ट्रैप्स जो हैं जो आपके शोल्डर्स पे भार उठा के काम आएगा, वो अगर पतले हैं, नैरो का मतलब पतले हैं, तो आप बहुत मुश्किल से उसको उठा पाओगे। अगर आपके स्कूल बैग के स्ट्रैप्स जो हैं वो चौड़े हैं, मोटे मोटे हैं, तो आपका फोर्स उस पर अप्लाई प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और आप इजीली उठा पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दीज एग्जांपल्स देयर इज़ प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर, इसके अलावा एयर का प्रेशर भी होता है और प्रेशर एग्जर्टेड इन लिक्विड्स में भी प्रेशर होता है। लेट अस मोर लर्न अबाउट दिस, अब हम इनके बारे में रीड करेंगे। एयर प्रेशर के बारे में अगर हम रीड करें, एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेज, हमें पता है, और व्हेन एयर इज़ इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, जब हम किसी कंटेनर के अंदर या किसी चीज़ के अंदर हवा भरते हैं तो उसके पार्टिकल्स कोलाइड हो जाते हैं, ठीक है, कोलाइड का मतलब उस जैसे ये गुब्बारा है, इसके अंदर हवा भरी, इस हवा के जो पार्टिकल्स है ना वो इस गुब्बारे के वॉल्स पर आ जाएंगे। द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ कोलोजन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैस, अब पर यूनिट एरिया में जितना ये कोलोजन होगा, तो ये जो टकराना है इनका एरियाज, सॉरी हवा के जो पार्टिकल्स का इस दीवार पे जो टकराने का काम होगा वो प्रेशर ऑफ द गैस की वजह से होगा और पर यूनिट एरिया में चलेगा। यू मस्ट हैव रेड, आपने पढ़ा होगा, अ कार टू मूव प्रॉपरली द टायर्स शुड हैव एडिक्वेट प्रेशर, अगर व्हीकल को, किसी भी गाड़ी को अगर आपको ढंग से चलाना है तो उसके टायर्स में जो हवा भरी जाती है उनका एप्रोप्रिएट प्रेशर होना चाहिए, उसके अंदर हवा बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। फॉर दिस एयर इज़ फिल्ड इन टू द ट्यूब्स इन साइड द टायर, और इसके लिए क्या करते हैं, हवा भरी जाती है टायर्स में। दिस एयर एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स, अब ये जो हवा भरी जाती है टायर के अंदर, उसके अंदर वाली हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो उस वॉल के ऊपर आकर टकराती हैं, ठीक, और उसको हार्ड बना देते हैं, ठीक है। When this tube is pressed by a pointed object, और जब ये ट्यूब जो है किसी pointed कील वगैरह के साथ आके टच होते हैं, the tire gets flattened, इसीलिए वो जब हार्ड हो जाते हैं, वो जब हार्ड होने के बाद उस पर ज़रा सी भी आप पिन मारोगे ना तो वो फ्लैट हो जाएगा, डिफ्लैट हो जाएगा, वो फूस हो जाएगा, दैट कार इज़ नॉट एबल टू मूव, इसी तरह से गुब्बारे के साथ भी है, ठीक। द गैस ऑलवेज एग्जर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस विद इट इज कॉन्टैक्ट, अब गैस का जो प्रेशर रहेगा वो उस जिस कंटेनर के अंदर भरी गई है ना उसकी
वॉल के साथ रहेगा, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग, गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा भागते रहते हैं, चलते रहते हैं। वाइल मूविंग दे कोलाइड, और जब ये टायर चलता है तो ये कोलाइड होते हैं, या गुब्बारा जब उड़ता है तो ये कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ, एज वेल एज द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे अब। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर, हमारी अर्थ में एक हवा की तह है जो 300 किलोमीटर मोटी है, और ये जो हवा है इसमें बहुत वेट है, ये नीचे की तरफ आती है ड्यू टू द ग्रेविटी। द प्रेशर क्रिएटेड बाय वेट ऑफ एयर, जितना भी प्रेशर क्रिएट होता है हवा की वजह से, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंस द पार्टिकल्स ऑफ एयर मूव रेंडमली, और जब हम जबकि हमें पता है कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो घूमते रहते हैं सारी डायरेक्शंस में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सारी ही डायरेक्शन में घूमता है। द एयर इज मोस्ट डेंस नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एज वी नो। अच्छा, द एयर इज मोस्ट डेंस, हवा कहाँ पर ज़्यादा गहरी हो जाती है, डेंस का मतलब यहाँ पर गहरी होना, ठीक है। हवा कहाँ पर ज़्यादा ठोस, गहरी, सॉलिड, डेंस का मतलब गहरी, ठोस, सॉलिड कहाँ पर हो जाती है, नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एज वी मूव, जब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, पहाड़ों पे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो हवा कम हो जाती है, डेंसिटी हवा की कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मैक्सिमम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीज ग्रेजुअली एज वी अप। तो नीचे की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है, और जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दिस मीन्स प्रेशर ड्यू टू एयर विल बी मच लेस एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, इसका मतलब प्रेशर, हवा का प्रेशर जो है वो ऊपर जाते हैं तो कम हो जाता है, सी लेवल से जब ऊपर की तरफ जाओगे तो वो कम हो जाएगा। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल, सी लेवल पे जब आप आओगे, ठीक है, समुद्री तह पर जब आप आओगे, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, 1,325 पास्कल, दिस इज कॉल्ड द वन एटमॉस्फेयर 1 atm, एक एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो 101325 पास्कल्स के इक्वल होता है। अब द इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है वो है बैरोमीटर, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायग्राम बैरोमीटर का। बैरोमीटर के अंदर मरकरी होता है, ये मरकरी है, जैसे थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है, उसको डिप्ड इन अ फील्ड विद मरकरी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई ऑफ द मरकरी कॉलम, वो मरकरी जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो जाता है, मरकरी का जो कॉलम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एयर प्रेशर, वर्किंग ऑफ अ ड्रॉपर, अब इसका काम कैसे करता है, अ ड्रॉपर इज़ फिल्ड विद अ लिक्विड बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर इनसाइड इट। व्हेन अ ड्रॉपर इज़ फिल्ड इन अ लिक्विड, जब ड्रॉपर को लिक्विड फिल कर दिया जाता है, इट्स रबर बल्ब इज़ प्रेस्ड, द एयर इनसाइड द ड्रॉपर ट्यूब इज एक्सपेल्ड इन टू द लिक्विड, दिस रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपर। छोटे बच्चों को ना दवाई दी जाती थी ड्रॉपर से, आगे प्लास्टिक का या ग्लास का ट्यूब होता है, पीछे रबड़ का एक नॉब होता है, वो ड्रॉपर की बात यहाँ पर करी जा रही है। अब ड्रॉपर काम कैसे करता है, जब ड्रॉपर में लिक्विड, व्हेन ड्रॉपर इज डिप्ड, जब उस ड्रॉपर को डिप करा जाता है लिक्विड के अंदर, तो उसको रबर को हम प्रेस करते हैं, उसमें हवा भर जाती है, और जैसे ही हम रबर को छोड़ते हैं तो उसके अंदर लिक्विड भरा जाता है, ठीक है। इस एक्टिविटी को हम देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। एज अ रिमेंबर, जब भी गैस और लिक्विड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर, जब भी गैस या लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, उसका प्रेशर जो है दोनों पॉइंट्स पर इक्वल हो जाएगा। क्लियर?
सेकंड है सिरिंज, इंजेक्शन भरते हैं डॉक्टर, तो सिरिंज का काम भी सेम एज ड्रॉपर, पीछे जो एक्टिविटी दिखी है सेम, सिरिंज भर लो या ड्रॉपर से काम कर लो सेम फॉलो होगा. आवर बॉडी इज एबल टू विदस्टैंड द स्ट्रॉन्ग एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू द बैलेंसिंग द प्रेशर ऑफ ब्लड. हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग एटमोस्फेरिक प्रेशर में भी बैलेंस कर पाती है. क्यों? क्योंकि वो बैलेंस करती है प्रेशर ऑफ ब्लड के साथ हमारी बॉडी के अंदर. इन आवर बॉडी द हर्ट पम्प्स ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर हर्ट जो है हमारे ब्लड को पम्प करता है पूरी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर के साथ. ठीक है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड, जितना भी प्रेशर एग्जर्ट करता है ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर एंड इट इज़ स्लाइटली हायर, और ये हमेशा ज़्यादा होता है देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर. जितना भी एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा उससे ज़्यादा होगा हमारा ब्लड प्रेशर. एज अ रिजल्ट वी डू नॉट फील द एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसलिए हमें एटमोस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता. क्यों? क्योंकि जब जो हमारा ब्लड प्रेशर है ना वो हायर रहता है, थोड़ा ज़्यादा रहता है एटमोस्फेरिक प्रेशर से, बाहर जितना भी एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा उससे थोड़ा ज़्यादा होगा. ठीक है, अगर एक पर्सन, व्हेन अ पर्सन मूव्स अप इन द एयर और माउंटेन, अगर कोई इंसान पहाड़ों पर जाता है तो वहाँ का एटमोस्फेरिक प्रेशर हमें पता है कम होता है, तो वहाँ का एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा. लेकिन अगर उस इंसान का ब्लड प्रेशर सेम रहता है तो इसका मतलब उसकी उसके नोज़ में से खून आना शुरू हो जाएगा. रिप्ट्यूरिंग का मतलब फटना, फटना या टूटना, तो उसकी ब्लड वेसल्स इसका मतलब फट गई हैं. तो हमेशा ये याद रखना, ब्लड प्रेशर जो है वो हमेशा हायर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उससे थोड़ा ज़्यादा होगा बस. ठीक, तो ये याद रखना. इसके बाद 11.4 एक्टिविटी है, ऑब्जर्वेशन की है ये खाली. एम एग्जर्ट एयर प्रेशर, किस तरह से, एक बिस्लरी बॉटल लो खाली और उसको सनलाइट में रख दो कुछ घंटों पे, उसकी कैप ओपन कर दो ढक्कन खोलकर, उस फिर नाउ सिक्योर द कैप ऑफ द बॉटल एंड कीप इट इन अ फ्रीज़र. उस बॉटल को तो रखना है धूप में और उसकी कैप को रखना है फ्रीज़र के अंदर. ऑब्जर्व द बॉटल आफ्टर एन हावर, अब जो धूप में पड़ी बॉटल है उसको एक घंटे के बाद आप नोटिस करो. यू विल फाइंड दैट देयर आर डेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉटल, आपको वो बॉटल कहीं कहीं से सुकड़ जाएगी. व्हेन यू कूल द बॉटल, जब आप उस बॉटल को ठंडा करोगे, द एयर इनसाइड कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर हवा भरी होगी वो कॉन्टैक्ट होगी, लोअर द प्रेशर, वो प्रेशर को लो कर देगी. एज अ रिजल्ट एक्सटर्नल एयर ऑफ द फ्रीज़र, जितना भी बाहर की हवा होगी वो फ्रीज हो जाएगी. विल एग्जर्ट प्रेशर ऑन द बॉटल, वो बॉटल पर प्रेशर एग्जर्ट करेगी एंड इट गेट्स डी फॉर्म्ड, और वो दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाएगी. व्हाई डू यू थिंक ऑफ द बॉटल वॉज कैप्टन सन, आपको क्यों लगा बॉटल को धूप में रखना चाहिए. दिस एक्टिविटी विल नॉट वर्क विथ थिक प्लास्टिक बॉटल्स, ये एक्टिविटी मोटी प्लास्टिक बॉटल के साथ नहीं होगी या मेटल की किसी बॉटल के साथ नहीं की जाएगी. कैन यू गेस व्हाई, क्योंकि वो उस पर सनलाइट का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो वैसे गर्म हो जाएगी, उस पर डेंट से नहीं आएंगे. प्रेशर ऑन लिक्विड्स, जैसे गैसेस उसी तरह से लिक्विड्स भी सेम मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स. लिक्विड ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिस तरह से हवा जो है अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्स पर प्रेशर एग्जर्ट करती है, इसी तरह से लिक्विड भी एग्जर्ट करते हैं प्रेशर. प्रेशर इन लिक्विड ऑल्सो एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, और प्रेशर इन एयर भी एग्जर्टेड इन ऑल डायरेक्शन. इसके बाद है एक्टिविटी 11.5, आपको समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट भी है और ऑब्जर्वेशन भी है. एक पॉलीथीन बैग ले लो, यहाँ पर दे रखा है, ठीक, विद द हेल्प ऑफ नीडल उसमें कुछ होल्स कर दो कुछ दूरी पर, कुछ हाइट्स पर, एंड गो टू बाथरूम, होल्ड द पॉलीथीन टैप के साथ. ये तो हमने करे हैं बैलून्स वगैरह के साथ कराइए हमने, ठीक है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखोगे आप, अच्छा यहाँ पर आप जब देखोगे पानी निकल रहा है, कहीं से ज़्यादा निकलेगा, कहीं से बहुत ज़्यादा निकलेगा, कहीं से कम निकलेगा, कहीं से धीरे निकलेगा, ठीक है. एज एन ऑब्जेक्ट गोज डीपर इन टू द वाटर, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है पानी की गहराई में जाएगा, द वेट ऑफ द वाटर अबव इट इनक्रीज, तो पानी का जो वेट है उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा. एज अ रिजल्ट द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज, तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा. इसलिए प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीज विद द डेप्थ, जैसे जैसे पानी में ऑब्जेक्ट जाएगा उसका प्रेशर
इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। हवा का प्रेशर ऊपर जाते समय डिक्रीज हो जाता है, पानी में जाते समय इंक्रीज हो जाता है। एक खाली बॉटल ले लो सॉफ्ट ड्रिंक की, 3 कीले लो एंड उसको वन साइड ऑफ द बॉटल एट डिफरेंट हाइट्स, अलग अलग हाइट्स पर इस तरह से लगा दो। ये इसकी नहीं है शायद, बट इस तरह से ले लो एक बॉटल, उस पर 3 अलग अलग हाइट्स पे लगा दो कीलों को। डू नॉट पुट द कैप ऑफ द बॉटल, बॉटल की कैप बंद नहीं करनी। नाउ रिमूव द नेल्स क्विकली एंड ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम, अब आप क्या देखोगे नीचे वाले होल से कैसे पानी आता है, बीच वाले होल से कैसे आएगा और तीसरे होल से कैसे आएगा। यू विल नोटिस दैट द डेप्थ ऑफ द होल इंक्रीजेज, द वाटर गोज फार्दस्ट बिकॉज द मोर प्रेशर, नीचे की तरफ से ज़्यादा आएगा क्योंकि हमेशा प्रेशर नीचे की तरफ ज़्यादा होता है पानी में। नाउ रिपीट दिस प्रोसेस अगेन बाय फिलिंग द वॉटर और ऑब्जर्व करो, कंपेयर करो, रीज़न दो, क्लियर। इसके बाद है व्हेन यू वॉक इनटू द वॉटर एट द स्विमिंग पूल और द सी यू विल फील लाइटर, आप हल्के हो जाते हो पानी में जाते हैं ना, ऐसा लगता है ज़मीन से ऊपर हो गए, हवा में उड़ रहे हैं। क्यों होता है ऐसे? बिकॉज प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय लिक्विड ऑन यू अपवर्ड, लिक्विड पानी के प्रेशर जो है आपको ऊपर की तरफ धकेलता है, तो उसको बोलते हैं अप थ्रस्ट, उसकी वजह से आपको लगता है आप हवा में हो। यू विल लर्न मोर अबाउट अप थ्रस्ट इन हायर क्लासेस, ठीक। द अबव एक्टिविटी शोज दैट वी गो डीपर, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है जितना नीचे हम जाएंगे पानी में उतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जितना ऊपर जाएंगे हम उतना डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर। फॉर दिस द सी डाइवर्स, जो पानी के अंदर जाते हैं सी डाइवर्स, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, वो इसीलिए स्पेशल सूट्स पहनते हैं ताकि उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके और पानी के अंदर नीचे जाके वो दब ना जाएं या बह ना जाएं या मर ना जाएं या डूब ना जाएं। प्रेशर इन लिक्विड इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड मैनोमीटर, यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 साइंस क्लास 8 फिनिश होता है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छी तरह रीड करो, 2-3 बार रीड करो, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपको 2-3 बार रीड करने पर समझ आएंगी। इसके बाद आपकी ये समरी पॉइंट्स हैं एंड उसके बाद अगेन वही फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट हैं और फिर लॉन्ग हैं और फिर हॉट्स हैं एंड असाइनमेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो है आपका 11 चैप्टर जो है कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर चैप्टर फिनिश करने के बाद क्लास में कराए जाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय योर टीचर देवेंद्र कौर।